राजधानी भोपाल से खबर है जहां नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। दिग्विजय और मोहन भागवत को सज्जन सिंह के पत्र लिखने पर उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि देश में सबसे ज्यादा दल बदल कांग्रेस पार्टी ने कराए हैं, अगर उन्हें जानकारी ना हो तो हम जानकारी सार्वजनिक कर दें। यह कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता बीजेपी और संगठन को पत्र क्यों लिखते हैं, उन्हें अगर सवाल पूछना है तो वो अपनी पार्टी से पूछें। क्या हम हमेशा आपका मार्गदर्शन करें? उनका इशारा संघ और बीजेपी की तरफ था। उनका कहना था कि हमसे पत्र लिखकर अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप अपनी पार्टी से, अपने आला नेताओं से सवाल पूछिए। दल बदल के बात पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि कांग्रेस देश की वो इकलौती पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा दल बदल कराए। दल बदलू कानून का अच्छी जानकारी तो उनको सबसे अच्छी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दे देंगे। देश के अंदर सर्वाधिक दल बदल कराए हैं कांग्रेस पार्टी ने। वो चाहे तो इस विषय पर लिस्ट वो जारी कर दे, हम जारी कर देते हैं कि अभी तक कितनी सरकारें इन्होंने दल बदल के गिराई। और ये क्यों लिखते हैं भाई मोदी जी को पत्र, क्यों लिखते हैं संघ के प्रमुख को पत्र या अमित शाह जी को पत्र या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र? भाई पहले आप अपनी पार्टी के अंदर तो देखो स्थिति क्या है, वहाँ लिखो। वहाँ के जवाब से असंतुष्ट हो तो और कहीं लिखो। आखिर में हम ही आपका मार्गदर्शन करें क्या? ये किसको फिक्र थी कि कबीले का क्या होगा? सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन हो। हम क्यों कराएंगे? उनके बेटे नकुलनाथ ने बयान दिया है। ये ट्विटर तो मान लो हम करा देंगे, पोस्टर हम लगवा देंगे, पर उनका बयान है जो नकुलनाथ जी का, वो क्या है, उस पर क्यों नहीं बोलते? ये वही लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हो, जिनके बड़बोलेपन के कारण से सरकार चली गई थी।